हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रणनीति बुटीक आइडियाज़ में एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बहुत ही प्यारी सी एंड ट्रेंडिंग सी स्लीव डिज़ाइन सीखने को मिलेंगे, यानी कि किस टाइप की ब्लाउज की या फिर बाजू की, कुर्तीज़ की किस टाइप की जो स्लीव डिज़ाइन आजकल ट्रेंड में है, तो इसी के ऊपर वीडियो को लेकर हूँ। आई होप्स आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगने वाली है एंड बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक बात और पूछना है, आपके यहाँ पे बारिश हो रही है? तो मेरे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है 2-3 दिन से, और आपके यहाँ का वेदर कैसा है? एंड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो बताना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर स्लीव्स अगर आप स्टिच करा रही हैं, अगर आपने कुर्ती स्टिच करा ली और आपका सिंपल सी कुर्ती है और उसको स्टाइलिश दिखाना चाहती है, तो सिंपल सी कुर्ती को हम स्टाइलिश कैसे दिखा सकते हैं? या तो हम क्या कर सकते हैं, नेक के डिज़ाइंस को हम स्टाइलिश बना सकते हैं, या फिर जो बाजू के डिज़ाइंस को हम स्टाइलिश बना सकते हैं, जिससे हमारे सिंपल से जो प्लेन सी भी कुर्तीज़ होगी ना, वो बहुत ही प्यारी सी एंड बहुत ही खूबसूरत सा लुक आपको देगी। तो आप क्या कर सकते हैं, जो कि आजकल जो बाजू जो ट्रेंड में है, वैसे तो बैलून स्लीव बाजूज बहुत ट्रेंड में है, लेकिन बैलून स्लीव बाजूज में अगर आप जो सामने की साइड से यानी कि फ्रंट्स में है वहाँ पे अगर आप इस टाइप से इलास्टिक आप लगा लेती हैं तो बहुत ही प्यारी सी बाजू बन जाती है, साथ में बहुत ही प्यारा सा लुक आपको देती है। इसमें भी मैंने डिफरेंट टाइप की जो स्लीव डिज़ाइन सेट की गई है जो कि बहुत प्यारे से लुक आपको देंगी। इसमें या फिर चौड़ी इलास्टिक लगा सकती है या फिर पतली वाली इलास्टिक होती है, दोनों में से आप कोई भी लगा सकती है। एंड बैलून स्लीव बाजूज आजकल ट्रेंड में है, तो इस टाइप की बाजूज में आप अपने लिए स्टिच करा सकती है, या फिर जो पफ स्लीव बाजूज होती हैं उसमें भी इलास्टिक लग जाती है, तो वो वाली बाजू भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और लुक देती है, साथ में बहुत ही प्यारा सा लगती है। अगर आप जैसे कि इलास्टिक लगा सकती हैं एंड बैलून स्लीव बाजूज आप स्टिच कराती हैं, तो इससे क्या होगा, जैसे कि आपको बिल्कुल गर्मी नहीं लगने वाली, जैसे कि समर सीज़न चल रहा है तो समर सीज़न में गर्मी लगती है, अगर हम फुल स्लीव बाजूज हमारा दिल करता है पहनने का तो हम फुल स्लीव बाजू स्टिच करा लेते हैं, तो उसमें बहुत एक्सेस में गर्मी लगती है, तो हम दिल करता है भी मतलब क्लॉथ उतार दे दो वाला। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, बैलून स्लीव बाजू स्टिच करा सकते हैं या फिर पफ स्लीव बाजू आप बनवा सकती हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल गर्मी नहीं लगने वाली और साथ में बहुत ही स्टाइलिश आपकी कुर्तीज़ बन के रेडी हो जाएगी। एंड इनमें से कोई भी डिज़ाइन आप अपने लिए स्टिच करा सकती हैं, 3/4 बाजू बनवा सकती हैं, शॉर्ट भी बनवा सकती हैं, या फिर फुल स्लीव बाजूज भी आप अपने लिए बनवा सकती हैं। स्लीव बाजूज अगर आप बनवाते हैं, जैसे कि आप प्लास्टिक लगवाती हैं, इसके साथ साथ अगर आप लटकन्स भी लगवा सकती हैं, जैसे कि आप इस टाइप से देख सकते हैं, तो ये वाली बाजूज भी बहुत प्यारा सा लुक देती है, साथ में बहुत ही स्टाइलिश भी लगने वाली है। वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अगर गाइस थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट करना भी मुझे मत भूलना। कोई भी बाजू जो भी आपको अच्छी लगती है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकती है, सेम डिज़ाइन आप बनवा सकती है, और सेम डिज़ाइन से आप खुद बनवा लीजिए या फिर आप टेलर से भी बनवा सकती है सेम डिज़ाइन सिखा के। इस टाइप से पफ स्लीव बाजूस बनवा सकते हैं विद इलास्टिक लगवा के, मैंने खुद अपने लिए भी पफ स्लीव बाजू बनवाई है अपने सूट पे एंड वो बहुत ही प्यारी से लगते हैं, साथ में बहुत ही स्टाइलिश लुक भी आपको देगी। मिलता हम अपनी प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, इतने में आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हम अपनी प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।